हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 23 की प्रिपरेशन के लिए प्रेप आईएएस ने डेली गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च किया है और आज के इस सेशन में डे 17 के टारगेट्स मैं आपको दूंगा। आई होप डे 16 तक के टारगेट्स आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। ओके, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चन से। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेचर। टॉपिक क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इस पे एक क्वेश्चन हमने मेंस में भी देखा था और ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स में। तो फैक्चुअल चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं, फैक्चुअल को आपको रिलेट करना पड़ेगा करंट इश्यूज के साथ। तो इस तरह से आपका होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाएगा। इसका आंसर आप मुझे बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री कमेटी। देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटी दिखने में बहुत छोटा चैप्टर है बट प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, तो एक एक कमेटी आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब देखो, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली 22 में पूछा गया था रिगार्डिंग फिफ्थ शेड्यूल। तो देखने में चैप्टर्स काफ़ी छोटे हैं लेकिन प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन। इनका जो भी आंसर आपको सही लगता है वो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब देखो, यहाँ पे मेंस के क्वेश्चन आपके सामने हैं और ये तीनों ही क्वेश्चन जो हैं ये पूछे गए हैं पार्लियामेंट्री कमिटी के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट ये एक टॉपिक है। तो इसको बार बार रिवाइज करिएगा। और देखो, रिवाइज करने के साथ साथ जैसे एस्टिमेट कमिटी है, पब्लिक अकाउंट कमिटी है, जो फाइनेंशियल कमिटीज़ हैं, ठीक है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, तो थोड़ा गूगल पे सर्च करिए, है ना, यूपीएससी लिखे। तो क्या होगा ना, इनसे जुड़े इश्यूज आपको पता चलेंगे, इनके अचीवमेंट क्या हैं, इनके एडवांटेज क्या हैं, क्या सोल्यूशन होना चाहिए, वो सब आपको पता चलेगा। उसके नोट्स बना लो और इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा उन कमिटीज तो आप उसको कर पाओगे, ठीक है। तरीका क्या है? पब्लिक अकाउंट कमिटी, इसके बाद लिख दो यूपीएससी और सर्च कर लो गूगल पे, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आप किसी भी आर्टिकल को रेफर कर सकते हो। देखिए, कमिटीज में बिल नहीं जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा इशू है और इसीलिए यूपीएससी काफी क्वेश्चंस पूछता है। तो इसको अच्छे से कवर करना मेंस प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं आज के टारगेट्स के ऊपर। तो भाई, पहला टारगेट है जुडिशरी, जो आपको क्लास 11th पॉलिटी एनसीईआरटी से प्रिपेयर करना है। ओके, दिस इज योर फर्स्ट टारगेट। इसके बाद लक्ष्मीकांत से आपको 5 चैप्टर्स करने हैं। देखिए, घबराना मत, दिखने में ज़्यादा है लेकिन पढ़ोगे तो काफ़ी कम टाइम लगेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, इसको करने में आपको 1.5 to 2 आवर्स लगेंगे। ओके, हाई कोर्ट करोगे तो, क्योंकि काफ़ी कुछ ओवरलैपिंग होता है, तो 40 to 45 मिनट्स में मैक्सिमम हाई कोर्ट हो जाएगा। और ये जितने भी चैप्टर्स हैं तीनों, इसमें एट मैक्स आपको 20 to 30 मिनट्स लगेगा ईच। ओके, इससे ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। ओके, तो 3 से 4 घंटे में ये टारगेट्स हो जाएंगे। अगर कुछ छूट भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, कल मैं टारगेट्स कम दे दूंगा तो वहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में कमेंट आया था कि सब बैकलॉग क्रिएट हो रहा है। तो देखो, जहाँ तक बैकलॉग की बात है, तो एक तो आप टाइम वेस्टेज कम से कम करो, थोड़े अपने एफर्ट्स बढ़ाइए। ओके, इसके साथ साथ ना, जो सैटरडे संडे मैं आपको दे रहा हूँ उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपको करना होगा। और ऐसा भी कर सकते हो कि जो आपकी फर्स्ट रीडिंग है वो अच्छे से करो ताकि रिवीजन में टाइम कम लगेगा। तो इस तरह से आपको टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा। ओके, तो ये एम लक्ष्मीकांत के टारगेट हैं। सपोर्ट वीडियोज आपके सामने हैं, तो इन वीडियोस को देख के आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। ओके, इसके साथ साथ देखिए, मंथली मैगजीन भी हम लोग कर रहे हैं, तो मई मंथ की जो GS3 सेक्शन है उसको कंप्लीट करना है। ऑलरेडी 2 पार्ट हम कवर कर चुके हैं और GS3 का थर्ड पार्ट ये आपको कंप्लीट करना होगा। अगर मैं टारगेट्स आपको बताऊं तो ये पूरा आपको करना पड़ेगा। ओके, तो ये प्रेप आईएएस की मंथली मैगजीन है, आप जो भी मैगजीन फॉलो कर रहे हैं उसका GS3 सेक्शन आपको कंप्लीट करना होगा, ये आपका टारगेट है। ओके, इसके साथ साथ न्यूज़पेपर हम रोज ही करते हैं, ऑप्शनल के लिए आपको 2 आवर्स देने होंगे, ये तो आपका रेगुलर चलेगा, इसमें मुझे टारगेट देने की ज़रूरत है ही नहीं। ओके,
अगर कुछ और टाइम भी आपके पास है तो आप हमारा फ्री इनिशिएटिव डेली आंसर राइटिंग कोर्स आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पे। ओके, सो दीज आर द टारगेट्स, इनको कंप्लीट कीजिए। कोई भी इश्यू आपको सामने आता है तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, एंड मैं उसको रिजोल्व करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन। ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड जय हिंद।